अरे अभी आ गई। म्यूट करो बेटा, अभी नेटवर्क चला गया था। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? चलो देखो, मैंने फर्स्ट क्या लिखा, देखो पेंसिल का है। फर्स्ट लिखा था राइट। राइट का क्या होगा? अपोजिट रॉन्ग। राइट क्या होता है? सही। ये किसका मार्क होता है? राइट का। ये किसका मार्क होता है? ये रॉन्ग का होता है, ठीक है? अपने क्वेश्चन में रहता है टिक द राइट करेक्ट रॉन्ग। आर आई जी एस टी राइट, देखो आर आई जी एस राइट। हाँ राइट का क्या होगा? सही। और रॉन्ग का क्या होगा? गलत। कर्सिव में राइट डाउन इन कर्सिव हैंड राइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स, ओके? राइट इसको ऐसे, फेल का हो जाएगा। बाय। तनिषा म्यूट करो, सूरज म्यूट करो, आपकी आवाज आ रही है बेटा। हाँ म्यूट करो, तनिषा सूरज दोनों म्यूट करो अपने आप को। सेल होता है बेचना, क्या होता है? बेचना। और बाई क्या होता है? खरीदना। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं, ठीक है? अच्छे से उसको ऊपर ले जाओ। हाँ अभी टी, अच्छे से टी को जोड़ दो। टी वैसे लिखना बताया था ना आपको, ऐसे भी ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, घुमाए हुए जैसा ही लग रहा है। अरे बेटा ठीक है, सुन लिया करो। अभी लिखो, म्यूट करो। अभी आप लिखो तनिषा, म्यूट करो बेटा अपने आप को, म्यूट करो। हाँ भैया। थोड़ा टेढ़ा लिखे जाना। प्रीतिश म्यूट करो बेटा, आगे देखो। शेल बाई, नेक्स्ट वन ऑलवेज, थर्ड क्या हो जाएगा? ऑलवेज। थर्ड क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज का हो जाएगा नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। ऑलवेज क्या होता है? हमेशा। क्या होता है ऑलवेज का हिंदी में वर्ड मीनिंग? हमेशा। और नेवर का होता है कभी नहीं। अपोजिट हो गया ना, एक दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अगेंस्ट जो होते हैं, विरुद्ध जो होते हैं। कर्सिव हैंडराइटिंग में हैंडराइटिंग सुंदर सुंदर लिखेंगे बेटा। धैर्य बोला, धैर्य को मैम ऑलवेज का क्या होगा? ऑलवेज का बेटा नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर। ऑलवेज का हमेशा और नेवर का कभी नहीं। ऑलवेज का हमेशा, नेवर का, नेवर की एन ई वी ई आर, नेवर, ठीक है? आगे देखो बेटा, फोर्थ हो जाएगा हियर। फोर्थ क्या हो जाएगा? हियर।
इसका हो जाएगा देयर, हेयर का क्या हो जाएगा देयर, हेयर होता है यहां और देयर होता है वहां, देयर का क्या होगा वहां और हेयर का क्या होगा यहां, ठीक है अपोजिट हो गए ना यहां और वहां, विलोम शब्द तो आपके हिंदी में भी होंगे बेटा, सभी कर्सिव में लिखेंगे ठीक है, और इनको लर्न भी करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे अपने, अपोजिट्स भी हो जाएंगे और कर्सिव हैंडराइटिंग भी हो जाएगी आप सभी की। लिख रहे हो बेटा? हेयर का देयर, फिर है फास्ट, हेयर का देयर होगा बेटा टी एच ई आर ई, कर्सिव में टी कैसे लिखाया था मैंने कैपिटल टी लाइक दिस, टी एच ई आर ई देयर, ठीक है हाँ लिखो बेटा, फिर हो जाएगा फास्ट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा लास्ट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा लास्ट, फर्स्ट क्या होता है जो सबसे पहले होता है एक नंबर पे होता है उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट, और लास्ट क्या होता है सबसे बाद में सबसे पीछे जो होता है उसको क्या बोलते हैं लास्ट, राइट रॉन्ग सेल बाय ऑलवेज नेवर हेयर देयर फर्स्ट लास्ट, रफ करूं बेटा सबने लिखा? मैम रुको एक बार, हाँ लिखो लिखो, नीचे लिखे आराम से लिखो, बट योर हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, हैंडराइटिंग कैसे होनी चाहिए एकदम सुंदर, फर्स्ट का लास्ट एल ए एस टी लास्ट, एल ए एस टी लास्ट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा लास्ट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा लास्ट, लिखा लिखा, चलो आगे देखो, चलो आगे देखो, देख इसको, इसको यहाँ से चल के ऐसे करके ऐसे आने आगे देखो बेटा, सिक्स हो जाएगा आगे देखो बेटा, सिक्स क्या हो जाएगा ए, सिक्स क्या क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा
नाइट। डे का क्या हो जाएगा? नाइट। डे क्या होता है? डे और नाइट क्या इसका अपोजिट हो जाएगा? रात। दिन रात और नाइट क्या इसका अपोजिट हो जाएगा? रात। डी ए वाई डे। डे का क्या हो जाएगा? एन आई जी एस टी नाइट। नेक्स्ट वन लिखेंगे इन। इन का क्या हो जाएगा? आउट। आई एन इन। इन का होता है अंदर और आउट का क्या होता है? बाहर। इन का क्या होगा? अंदर और आउट का क्या होता है? बाहर। आप बोलते हो मे आई कम इन मैम, बोलते हो ना मे आई कम इन मैम। सेवन नंबर में बेटा इन, आई एन इन, आई एन इन, सेवन नंबर में है आई एन इन। आई को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हो और बिग आई ऐसे भी लिख सकते हो, आई एन इन। मैम के जैसा लिखू? हाँ मैम के जैसा लिखो आप, जो जो भी लिख रहे हो बेटा सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। हैंडराइटिंग अपनी अपनी होती है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख लो। तीनों सही है, तीनों केसेस किस में आते हैं? कैपिटल में ही आ रहे हैं। और वैसे भी आई तो किस में आता है? कैपिटल में ही आता है आई। आई क्या है? प्रोनाउन है ये क्या है? एक प्रोनाउन है ये। तो आई जो मोस्टली आता है वो चाहे सेंटेंस के बीच में हो, ये कैपिटल ही आएगा। हाँ कैपिटल आएगा। इनका क्या हो गया? आउट। इनका क्या हो गया? आउट। इन होता है अंदर और आउट क्या होता है? बाहर। मे आई कम इन मैम, आप लोग बोलते हो ना? यस, वही इन है ये। आगे देखो बेटा, क्लीन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? क्लीन। बस अब तुम लिखो इधर। क्लीन का क्या हो जाएगा? डर्टी। क्या हो जाएगा? डर्टी। क्लीन क्या होता है? साफ करना, किसी भी चीज को क्या करना? क्लीन करना। और डर्टी क्या होता है? गंदा। सी एल ई ए एन क्लीन, इसका हो जाएगा डी आई आर टी वाई डर्टी। सूरज लिख रहे हो ना बेटा? मैम ना इनको अपोजिट नाइन नंबर का क्या लिखना है? नाइन नंबर लिखो बेटा बिग। नाइन का क्या लिखेंगे? बिग। कैसे बताया था? बी लाइक दिस, बी आई जी बिग। क्या होता है मैम को बताओ? बिग का क्या हो जाएगा? ये तो आपको आता होगा मैम बेटा। स्मॉल। बिग का क्या होगा? स्मॉल। बिग क्या होता है? बड़ा। और स्मॉल क्या होता है? छोटा। सुंदर लास्ट वन इज टेन नंबर। सी ओ एल डी कॉल्ड। कॉल्ड का क्या हो जाएगा? क्या होता है बेटा? एच टी हार्ट। कॉल्ड का क्या हो जाएगा? हार्ट। कॉल्ड का डी सी भी
एच, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बताया मैंने आपको, बताया ना ये वाला भी, एच आर टी हार्ट। उसके बाद वापस वो लगा दिया आपने, ग्रेस करो ढंग से करो। ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, एच एच आर टी हार्ट। टेन अपोजिट करवा दिए मैंने, ठीक है, और यही आप दोबारा लिखोगे एच डब्ल्यू के लिए, टेन के टेन दोबारा लिखोगे, और इनको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, इनकी स्पेलिंग वर्ड मीनिंग्स याद करने है, ठीक है ना, इनकी स्पेलिंग याद करनी है, करोगे ना? Now class is over. Bye all the students. Thank you so much. Good day.